नमस्ते, राखी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही मिर्च का पकौड़ा। इसलिए मैंने मिर्च, बेसन और चावल का पाउडर लिया और लहसुन अदरक का। मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मिर्च के बीच से इस तरह से चाकू से कट लगा लेना है। सारे मिर्च में इस तरह से कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगा लेना है। सारी मिर्चाई में मैंने कट लगा लिया है चाकू से। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कटोरा लेना है, इसमें बेसन डाल लेना है, चावल का आटा, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा पाउडर आधा चम्मच से भी कम, छोटी चम्मच से, धनिया पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच से छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, मिर्च पाउडर थोड़ी सी देना है आधी चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। अब इसमें पानी डालकर मिक्स कर लेना है। थोड़ी थोड़ी पानी डालना है, बैटर को ज़्यादा पतला और मोटा बनाना है। बैटर पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। इसको ज़्यादा पतला ना मोटा बनाना है, इस तरह से बनाना है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। 15 मिनट हो गए हैं, बैटर तैयार हो गया है। अब इसे छानना है। इसलिए मिर्च को इसमें डाल देना है, डाल के इसको अच्छे से रख के बैटर में डाल के अच्छे तरह से मिला लेना है मिर्च को। अच्छे से बेसन को लपेट कर ऐसे छान लेना है। ये मेरा मिर्च का पकौड़ा पूरी तरह से दोनों तरफ से हल्का ब्राउन हो गया है। इसे निकाल लेना है। इसी तरह सारे पकौड़े को छान लेना है। हमारी मिर्च का पकौड़ा पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। थैंक यू। अगर मेरी मम्मी का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।